धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना एंड वेलकम टू दिस वीक्स टैरो लव गाइडेंस। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको कौन सा पाइल जो है वो चुनना है, कौन सा पाइल सुनना है, तो जल्दी से उस तरफ बढ़ जाइए, 1, 2 या 3। मगर अगर आपने पहली बार यहाँ पर ज्वाइन किया है तो मैं जल्दी से आपको बता दूँ कि ये वीडियो है किस बारे में। देखिए, हमारी लाइफ में प्यार को लेकर खासकर बड़ी सारी परेशानियाँ जो हैं वो आती ही रहती हैं, या फिर पड़ाव जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो मेरी इस वीडियो में आपको उस सवाल का हल ज़रूर मिलेगा। कैसे, ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। देखिए, हर एक का सवाल जो है वो अलग होता है और यहाँ पर ये एक पिकअप आइल है, तो आपको ना बस मन में अपना सवाल जो है वो सोचना है और उसके बाद मेरे पास ये जो 3 क्रिस्टल्स है ना, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास जो पहला क्रिस्टल है ये है ब्लैक टॉर्मेलिन, जो कि देता है नेगेटिविटी से सुरक्षा। जो दूसरा क्रिस्टल है ये है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि लाता है पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। और तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास ये है रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, जो कि देता है आपको लव, क्रिएटिविटी और उससे रिलेटेड सक्सेस। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है, आपको अपनी तरफ खींचता है, वो जो सवाल आपने सोचा है ना, ये उसी का जवाब है। तो ऐसे में जल्दी से मन में सवाल को फिर से सोचिए, इन तीनों क्रिस्टल्स में से अपने फेवरेट क्रिस्टल को चुनिए और उसकी रीडिंग की तरफ चलिए। ऐसे में अगर आपको पसंद आया है क्रिस्टल नंबर 1 तो देखिए पाइल नंबर 1, क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल नंबर 2, और क्रिस्टल नंबर 3 तो पाइल नंबर 3। अगर आपको पसंद आया है क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मेलिन, तो ये है आपकी रीडिंग और इस हफ्ते की आपकी वीकली लव टैरो गाइडेंस आपको ये बता रही है कि दोस्त, हवा में बातें मत कीजिए, ठीक है? थोड़ा सा अपने आसपास की चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए, आपको बहुत ज़रूरत है इसकी। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए या थोड़ा सा अपने आप को 5-10 मिनट जो है ना, बिना सोशल मीडिया के, बिना किसी और चीज़ के, सिर्फ एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय के साथ दीजिए, जहाँ पर आप खुद से बातें कर सकें, ताकि आप अपनी प्रायोरिटी और अपने दिमाग में जो भी आपके इंट्यूशंस जो हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको ज़रा सा सुन सकें। नाउ आई नो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्वीट तरीके से शुरू हुआ, मैसेजेस ऑफ लव या फिर थ्रू सोशल मीडिया आप इनसे मिले, कैन बी अ डेटिंग ऐप एज वेल, और जिनसे भी आप मिले ना, ये आपको काफ़ी अच्छे लगे। वाई? बिकॉज इट ऑल्सो केम थ्रू अ लॉट ऑफ लक। यू लिटरली फेल कि यार मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं इस इंसान से मिला या मिली, एंड उसके बाद चीज़ें जो है काफ़ी रफ्तार से यू नो आगे बढ़ी हैं। बट नाउ यू सी कि कुछ ना कुछ परेशानियाँ जो हैं वो बार बार आए जा रही हैं, राइट? ये जो परेशानियां आप तक आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं बिकॉज कई सारी बातें आपसे छुपाई जा रही हैं। यस, आई विल नॉट टेल यू इन एनी काइंड ऑफ फ्लारी वर्ड्स, बट आपसे कई सारी बातें जो हैं वो छुपाई जा रही हैं। नाउ दिस कैन बी समथिंग एज स्मॉल एज मे बी अ लिटिल केस ऑफ यू नो सम लीगल केस और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा साइड का कुछ एक इशू जो कि चल सकता है जिसका पर्सनल लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है, या फिर इट कैन ऑल्सो बी समथिंग एल्स जहाँ पर शायद कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैटफिश किया जा रहा है, जिनको झूठ बोला जा रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, अपने मन की बात को सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है तो गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए, तभी आप इस चीज़ में, इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और एक बार अगर आप आगे बढ़ पाए ना, तो उसके बाद आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज कमिंग थ्रू। क्या आ रहा है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। आपके लिए एक ऐसा रिश्ता जो है वो आ रहा है जो कि आप जिसके साथ मिलकर, जिस इंसान के साथ मिलकर एक पूरा अच्छा खासा भविष्य जो है उसे बना सकते हैं। सो डोंट गेट डिसिल्यूजन्ड सिर्फ किसी की मीठी मीठी बातों में, या वो यू नो चूज करके दिए हुए कुछ खास पलों के अटेंशन को उतना मत समझिए। यू आर वर्थ ऑल द अटेंशन एंड ऑल द लव। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपके इस हफ्ते की लव टैरो गाइडेंस। अगर आपने चुना है पाइल नंबर 2 तो जल्दी से नीचे लिख दीजिए आई एम ब्लेस्ड। क्या है ना कि जब भी आप ब्लेस्ड लिखते हैं ना, तो आप यूनिवर्स से, आप अपने आसपास वो चीज़ एक अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपको और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स ला कर देती है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल जो है वो देती हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ही खुशी खुशी और प्यार से अपना काम जो है वो करे जा रहा है, आप उसको देख कर बहुत खुश होंगे, उसको आप पॉजिटिविटी देंगे, उसको आप ब्लेसिंग देंगे, राइट? जबकि ऐसा आप खुद के लिए भी अगर आप करते हैं ना, तो द यूनिवर्स ऑल्सो नोटिसेज यू इन द सेम वे। जी, मैं इसी चीज को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि द यूनिवर्स इज लिटरली टेलिंग यू इट इज टाइम फॉर फैमिली। जी, आपके लिए फैमिली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस रिश्ते में आप हैं, जिनके भी साथ आप हैं, ये रिश्ता एक्चुअली बहुत ही स्पेशल है। ये रिश्ता ऐसा है जहाँ पर बड़ी सारी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आई हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा सारा लक जो है वो भी आपको दिया है। फैमिली के साथ बहुत घुल मिल गए हैं, मगर अब मे बी देयर इज अ डिसीजन दैट इज कमिंग थ्रू, जहाँ पर आपके जो भी ये सिग्निफिकेंट अदर हैं, इन्हें ट्रैवल करना पड़ सकता है।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो इनकी लाइफ में ऑफकोर्स आने वाले हैं, अगर अभी तक नहीं आए हैं तो, या इनडिसिजन जो है वो अगर अभी तक नहीं आया है तो मन में आपके आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा आ ही गया होगा कि यार पता नहीं आगे क्या होगा, थोड़ी घबराहट सी हो रही है। ये घबराहट होना बिल्कुल सही है, बट दिस ऑल्सो मीन्स कि अभी तक जिन चीज़ों को लेकर आप नॉन सीरियस थे उनको लेकर आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो ऐसे में टाइम आ गया है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा सा सेट करें, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े चेंजेस, चाहे वो बेसिकली वर्क को लेकर मुझे दिख रहे हैं, काम को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर ना, कुछ बड़े बड़े चेंजेस इनकी लाइफ में आने वाले हैं, मगर ये चेंजेस जो है बहुत ही अच्छे भी होने वाले हैं। इन चेंजेस के साथ ही अपने लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर जो है वो बनाने वाले हैं, और ऐसे में ये आप पर है कि आप उनके फ्यूचर में उनका कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि आप उनके आने वाले फ्यूचर में उनका सपोर्ट करें, बिकॉज दिस पर्सन सीज यू एज यू नो फैमिली फॉर देमसेल्व्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि इनकरेजिंग होना इस समय बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इनडिसिजन ज़रूर लगे आपको, बट थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन। तो इसके साथ ही अगर आपने चुना था पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। और सबसे पहले ऊपर से मैं आपको एक चीज जो है वो जरूर बताना चाहूंगी कि लिखिए आई एम लव्ड इन द कॉमेंट सेक्शन, या बस लिखिए लव्ड, दैट्स इट। पता है क्यों? क्योंकि आपको एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि प्यार कहीं से भी आए, प्यार प्यार होता है। प्यार को ना सिर्फ एक ही दिशा में मत नापिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि प्यार जो है वो राइट से आना चाहिए तो राइट से ही आएगा। कभी कभी लेफ्ट से भी आ सकता है, कभी कभी अचानक से पीछे से आके आपको धप्पा कर सकता है। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज आई अंडरस्टैंड सबसे पहले तो कि इस वक्त आप एक काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन में हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी मैं समझती हूँ कि बिकॉज दिस इज सच अ डिफिकल्ट डिसीजन आप लाइफ में बहुत सीरियस हो गए हैं। Lighten up a bit. It's about time. देखिए मैं जानती हूँ कि जो पिछला टाइम रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है आपके लिए, ठीक है, और ऐसे में इतने सारे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल प्रेशर के थ्रू आप गए हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है, और आपको ये लग रहा है कि यार यू नो एक डबल डिसीजन में है। मैं एक छोटा सा सिचुएशन जो है वो मैं आपको देती हूँ, बट मे बी वो सिचुएशन में डिफर, बट कहीं ना कहीं जो लेसन है सिचुएशन का वो सेम रहेगा। कि कुछ लोग होते हैं ना जिनका प्यार में दिल बहुत बार टूटा होता है, बट उनको फिर भी लगता है कि यार मुझे प्यार ही चाहिए। वो ये सोचते ही नहीं कि अगर वो अरेंज मैरिज भी करें तो शायद उसमें भी उन्हें वो प्यार मिल जाए जिसकी उन्हें ज़रूरत है, शायद उन्हें उसमें भी वो एक साथ ही मिल जाए। शायद अरेंज मैरिज ही उनके लिए सही डिसीजन इसलिए भी है बिकॉज कहीं ना कहीं क्राइटेरियाज और कुछ बैकग्राउंड चेक्स जो हैं वो ऐसे रहेंगे कि उसके बाद उनको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी एक यू नो नॉर्म बना हुआ है, कोई भी ऐसा एक रूल बना हुआ है, तो उसे तोड़ने की बारी आ रही है। इट इज़ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज टू एक्सेप्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके बाद ही आपकी लाइफ में बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं। खासकर वो लोग जो कि अपने लिए एक परिवार की शुरुआत करना चाहते हैं या लाइफ को कंप्लीटली न्यू तरीके से शुरू करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग के ही जो पिंजरा है उसमें से निकलना होगा, बिकॉज यू आर अ फ्री बर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड एंड लेट लव कम टू यू। थोड़ा सा टाइम मैं मानती हूं इसमें जरूर लगेगा आपको, बट ट्रस्ट मी कि जैसे ही आप ये एक छोटा सा बदलाव अपने अंदर करेंगे ना, वेर यू जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू बी लव्ड बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तब आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज़ें और कुछ बहुत ही खूबसूरत चेंजेस के साथ वो इंसान स्टेप इन करने वाला है जो कि आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए दी बेस्ट है। तो इसके साथ ही अगर आपने चुना था पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, और ऐसी और रीडिंग्स और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।